क्या हाल है मेरे YouTube की पब्लिक, इट्स अभिषेक बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज की जो वीडियो होने जा रही है वो मेरा पार्ट टू होने जा रहा है मेरी लास्ट वीडियो का। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी पहले जाके लास्ट वीडियो चेक कीजिए, उस वीडियो से ये वीडियो आप समझ पाएंगे, बिकॉज उसमें सबसे पहले आपको अपना फेस टाइप कैसे जानते हैं वो बताया है। तो जाइए जाके देखिए, वैसे मेरे को लगता नहीं आप जाने वाले देखने के लिए, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपका हेयर स्टाइल बताने जा रहा हूँ, और आज हेयर स्टाइल वाली वीडियो बनाने के टाइम पे ही मेरा हेयर स्टाइल का उड़ चुका है, बिकॉज कल मैंने शैम्पू किया, बिकॉज कल मैं जा रहा हूँ अपने घर। हाँ, मैं जा रहा हूँ अपने घर। 3 मंथ से इधर लॉकडाउन था, तो आज इस स्टूडियो पे मेरा लास्ट डे है। मतलब इतना बड़ा सेटअप किया, आज मेरे को ये पूरा सेटअप डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, बिकॉज अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो आपको हर वीडियो में अगली बार से बैकग्राउंड चेंज मिलने वाला है। और हाँ, मैं 14 डेज के लिए क्वारंटाइन होऊंगा, तो इसलिए वीडियो शायद ना डाल पाऊंगा 14 डेज तक, या छोटी 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 या जैसा बना पाऊँ वैसी वीडियोज डाल पाऊंगा। ऐसा प्रॉपर एक सेटअप करके वीडियो नहीं आ पाएगी नेक्स्ट 14 डेज के लिए, बिकॉज अब आपका भाई होने जा रहा है 14 डेज के लिए क्वारंटाइन। तो इसलिए बस इस सेटअप पे आज लास्ट वीडियो है, तो ये जो मेरा सेटअप है आज ये खत्म हो जाएगा। तो बस मैं सोचा अपने पार्ट टू यहीं पे एंड करते हैं। तो आज की वीडियो में आप सबको आपके फेस टाइप के हिसाब से आपका हेयर स्टाइल बताने जाऊंगा, या कल शैम्पू करने के बाद मेरे खुद के हेयर स्टाइल उड़ चुके हैं, और ये बहुत सारे लॉन्डो के मेरे जैसे बहुत बड़े बड़े बाल हो चुके होंगे। ये बहुत अच्छा टाइम है कि अब आप अपने बालों को किसी भी स्टाइल में ला सकते हैं। अब आपके बड़े बाल हैं, छोटे कराना है छोटे करा सकते हैं, बड़े बालों में हेयर स्टाइल कराना है बड़े बाल का हेयर स्टाइल करा सकते हैं। तो बस ये वीडियो से आप समझ जाइए आपके फेस टाइप के हिसाब से कौन सा हेयर स्टाइल सूट करेगा, और फिर जाके वो हेयर स्टाइल करा लीजिए। तो चलिए और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो, तो इधर एक लाल बटन दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखना, उस बटन को दबा दो, व्हाइट हो जाएगा, साथ साथ वो घंटा भी दबा देना, ताकि जब भी मेरी अगली वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है या बातें करनी, तो मेरा साइड में इंस्टा हैंडल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर लो। तो चलो अब करते हैं वीडियो स्टार्ट, पहले मेरा इंट्रो तो देख लो। जो हमारा पहला फेस टाइप होने जा रहा है वो होने जा रहा है स्क्वायर फेस टाइप। इसका बेस्ट एग्जांपल पता है कौन है? सुशांत सिंह राजपूत। हाँ, आप लोग सुशांत सिंह राजपूत का आप लोग फेस कट देखना, उनका स्क्वायर फेस कट है। देखो यार, इस फेस कट में होता क्या है, आपके सारे पार्ट बराबर होते हैं, ये एंड ये बराबर होता है, तो आपका फेस ऑलरेडी बहुत नुकीला दिखता है। अगर आप इसमें नुकीले हेयर स्टाइल रखोगे, जैसे स्पाइक्स हो गया या पफ हो गया, तो बहुत खराब लगता है। आपको कैसे इसमें हेयर स्टाइल रखना, लाइक आप आर्मी कट रख सकते हो, या साइड फेड रख सकते हो, ऊपर के बालों को पीछे के साइड में रख सकते हो, इस टाइप के आप लोग हेयर कट ज्यादा ट्राई करो, और अपने फेस को कम नोखिला दिखाओ। बिकॉज अगर आपका फेस ज्यादा नोखिला दिखेगा तो आपका फेस पूरा स्क्वायर दिखने लगेगा, जो कि आपका फेस अच्छा नहीं दिखेगा, आपके स्टाइल को नीचे गिरा देगा। तो या तो आप एक आर्मी कट के लिए जा सकते हो, लाइक फुल साइड फेड ऊपर से एकदम शॉर्ट, या तो फिर आप साइड फेड ऊपर से पफ करवा सकते हो। अब बात करते हैं हमारे सेकंड फेस टाइप की, जो हो जाए राउंड फेस टाइप। इसमें क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों इक्वल होती है। अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं, तो आप क्या करा सकते हैं, आप करा सकते हैं पीछे के बालों के कंपेरिजन में, पीछे के बाल छोटे हैं उनके कंपेरिजन में 3-4 इंच लंबे करा लो अपने आगे के बाल, वो स्टाइल आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आपके पास स्ट्रेट है तो। अगर आपके पास कर्ल है तो यू कैन गो फॉर अ स्ट्रेट हेयर, उस पर मैंने वीडियो बना दी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं बताता हूं आप और क्या कर सकते हैं। कर्ल हेयर में आप साइड का फुल फेड करा दीजिए, पीछे के बालों को थोड़ा छोटा करवा दीजिए, एंड आगे के बालों को उनसे हल्का सा लंबा रखिएगा, और उनको पीछे के साइड में पुश करके रखिएगा, वो हेयर स्टाइल मेरी बात मानिए बहुत बॉम्ब दिखने वाला है आपके ऊपर। अब जो थर्ड फेस टाइप होने जा रहा है वो होने जा रहा है ऑबलोंग। ये फेस टाइप यार बाकी सबके कंपेरिजन में सबसे लंबा होता है, या आपके फेस सबसे इसमें लंबा दिखता है। इसमें क्या रहता है, आपका फोरहेड चिन चिक तीनों के तीनों बराबर दिखते हैं, तीनों इक्वल रहते हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या दे सकते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल भाई सब जानते हैं ऋतिक रोशन। यस, उनका ओवलॉन्ग फेस टाइप है, उनके आप देखोगे तो हर चीज एकदम बराबर है, और इसमें आपका बेस्ट हेयर स्टाइल पता है कौन सा होगा, आगे के बालों को लंबे और पीछे के, उन पीछे और साइड के उनके कंपेरिजन में एकदम आधे होने चाहिए।
और इसमें जो एक और चीज आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपके बियर्ड इसमें नहीं होने चाहिए। अगर आप अपने बियर्ड बड़े रखोगे तो पता है क्या होता है, वो आपके फेस को और लंबा दिखाता है। समझो मेरा फेस यहां तक का, मैं यहां तक की बियर्ड रख दूं तो इतना बड़ा मेरा फेस दिखेगा, खुद समझ लो कितना खराब दिखेगा। आप बियर्ड रखो लेकिन ट्रिम बियर्ड रखो, इसमें ट्रिम बियर्ड इसमें बहुत ज्यादा अच्छी लगी। बात करते हैं हमारे फोर्थ फेस कट की, जो होने जा रहा है ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर इसमें क्या होता है, बाकी कंपेरिजन में आपका फोरहेड, जॉलाइन और चीक तीनों चौड़ी होती है, तो आपको क्या करना है, अपने बालों को एकदम स्ट्रेट ऊपर की तरफ नहीं रखना है, बिकॉज इसमें आपको थोड़ा छोटा दिखता है फेस। अगर आपने एकदम ऊपर की तरफ अपने बाल रख लिए तो और छोटा दिखेगा और चौक और ट्रायंगुलर दिखेगा। तो आपको क्या करना है, आपको बियर्ड रखनी है थोड़ी सी, एंड आपको अपने सारे बाल बराबर रखने हैं, लाइक आपका साइड बैक फ्रंट तीनों एकदम बराबर रखना है। यार अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, सबके बाल बड़े हैं आराम से, मेरे तो देखो तो पूरे बराबर हो चुके हैं, मतलब ऐसे में बराबर नहीं बोल रहा हूँ, ऊपर से थोड़ा कट कराऊंगा तो मेरे एकदम बराबर में सही आ जाएंगे। अगर आपका ट्रायंगुलर है तो आप ये कर सकते हैं, थोड़ी बियर्ड रखने का ट्राई करो। आप लोग हल्की सी बियर्ड रखोगे तो आपका फेस जो इस तरीके कुछ दिख रहा होगा वो ऐसा हो जाएगा, तो आप समझ सकते हो मेरी बात, समझ सकते हो ना, समझ गए। अब बात करते हैं हमारे फिफ्थ टाइप के फेस कट की, जो है डायमंड। ये रेयर होता है इसलिए इस फेस कट को हम डायमंड कहते हैं, आपके भाई का डायमंड है यार। तो इसमें क्या कर सकते हो, देखो आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने ईयर्स तक बाल रखने हैं, पीछे के छोटे ऊपर के बड़े बाल रखने हैं, या तो आप साइड से फेड करा लो जैसे आपका भाई करा था, साइड से फेड ऊपर से थोड़े बड़े रखो, बिकॉज यार जॉलाइन पे ना ऑलमोस्ट ऑल उफ यार क्या होता है ना, डायमंड फेस कट पे ऑलमोस्ट ऑल सारे हेयर स्टाइल सूट कर जाते हैं। ये हेयर स्टाइल, ये फेस कट पता है कैसा होता है, इस फेस कट में क्या हो रहा है आज, इस फेस कट में आपका फोरहेड के कंपेरिजन में जॉलाइन चौड़ी होती है, तो इसमें अगर आप क्लीन शेव रखें या पूरी ट्रिम्ड, मतलब यार पूरी नहीं मतलब एकदम छोटी छोटी फुल ट्रिम्ड आप लोग ये बियर्ड रखोगे ना तो बहुत बॉम्ब लगेगा आपके ऊपर। तो आज मैंने आपको 5 फेस कट उसके साथ साथ उनके हेयर स्टाइल भी आपको बता दिए हैं। तो बस अब आपके पास टाइम है, आप जाके उस टाइप पे देखो, यार मैंने बहुत जगह पे आपको बालों के स्टाइल्स नहीं बताए हैं, बाल कैसे रखना है वो बताए, आप उसको अपने हिसाब से बड़े अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं अगर आपने वैसा रखा तो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल पे नए हो तो व्हाइट कर दो इस लाल बटन को, एंड बाजू को उस घंटे को भी दबा दो ताकि जब भी मेरी अगली वीडियो है आपके मोबाइल का घंटा बज जाए। एंड अगर आपको मुझसे कुछ बातचीत करनी है तो साइड में इंस्टा हैंडल दिख रहा है ना, जाकर उधर फॉलो कर लो, करते ना बात। और आज इस स्टूडियो को मुझे कहना है बाय, कल मैं निकल रहा हूं अपने घर के लिए, तो फिर यहां वीडियो नहीं बन पाएगी, अब बहुत सैड हूं बिकॉज बड़ी मेहनत लगी थी यार इसको बनाने में। आप मैंने अपने ब्लॉग में अपने वीडियो में बना के इसको दिखाया भी है, मैंने कैसा इसको बनाया था, वो फोटोशूट वाला वीडियो होगा, इस पूरे को मैंने अपने फोटोशूट के लिए सेट किया था और इसमें मकड़ा लग गया यार, तो अब मेरे को इसको पूरा हटाना पड़ेगा। बुरा लगता है यार, इतनी मेहनत से आप लोग बनाओ, इतना सेलोटेप यूज किया, पेपर लाया, कोई बात नहीं फिर आएंगे फिर बनाएंगे इसको। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहना, अब नया बैकग्राउंड नई लोकेशन, एंड शायद 14 डेज तक के लिए वीडियो कम हो जाए यार, बिकॉज मैं क्वारंटीन रहूंगा 14 डेज के, तो शायद से मुश्किल है। और अब भी एक बहुत तगड़ी वीडियो मैं ड्रॉप करने वाला हूँ, जो आई थिंक ड्रॉप हो जाएगी वेंसडे तक, वेंसडे को वीडियो ड्रॉप होगी, तो जरूर देखना। उस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे सेक्सी, बाहर जाओ मास्क और सैनिटाइजर साथ लेके जाओ, केसेस बढ़ रहे हैं। चलो बाय, लव यू ऑल।